हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंशलि और आज मैं लेके आई हूँ पनीर पराठा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने यह लिया पनीर, जिसे अच्छे से मैश कर लिया है। मैं यहाँ होममेड पनीर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो मार्केट के पनीर से भी बना सकते हैं। साथ में मैंने यह लिया घी पराठा को सेकने के लिए। साथ में मैंने यह लिया गेहूं के आटा का डो, जैसे आप रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं ठीक वैसे ही पराठा के लिए भी लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अब हम एक बॉल लेंगे पनीर के स्टफिंग के लिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैश किया हुआ पनीर। साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अब हम थोड़े से आटे अपने हाथों पे लेंगे, आप जैसे रोटी तैयार करते हैं ठीक वैसे ही बेल लेंगे। तो हमने यहाँ एक रोटी को तैयार कर लिया है। अब इस रोटी को दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा फिर से ऐसे ही बेलेंगे। तो दूसरा रोटी भी बिल्कुल रेडी है। तो अब इस स्टफिंग को इसके ऊपर डालेंगे और इसे पूरे रोटी पे फैला देंगे। बिल्कुल ऐसे ही पूरे रोटी पे फैला लेंगे स्टफिंग को। और अब पहले वाले रोटी लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और साइड साइड से इसे ऐसे दबा देंगे हल्के हाथों से, ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। तो फिर बेलन से इसके ऊपर हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि चारों तरफ पनीर फैल जाए।
ज़्यादा फोर्स से नहीं बेलिएगा, नहीं तो रोटी फट सकता है। तो ये बिल्कुल रेडी है सेकने के लिए, तो चलिए इसे सेकते हैं। इसे सेकने के लिए मैंने यह एक तवा गर्म कर लिया है। अब इस पर डालेंगे रोटी, और जैसे आप पराठा बनाते हैं ठीक वैसे ही बनाएंगे, और इसे हल्का सा सेकेंगे। अब इसे पलट देंगे थोड़ी देर के बाद, और पीछे से भी इसे सेक लेंगे। और जब ये अच्छे से सिक जाए तो इसके ऊपर डाल देंगे घी, और चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि सारे रोटी पे घी अच्छे से लग जाए, और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा और घी, आप अपने अकॉर्डिंग घी कम या ज़्यादा का यूज कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से सेक लेंगे, आप देख सकते हैं कलर बहुत चेंज हो चुका है। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो गर्मा गर्म पनीर पराठा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, मैं यहाँ टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। इसे भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है टोमेटो सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।